हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और हम बात करेंगे बाजारों के बारे में। बाजारों में कल क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट जो है होगा, और वहां पर हमें लगता है कि 51% चांस लगते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद ना बढ़े, लेकिन 49% चांस मुझे लगता है कि शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा, ये मैंने अभी आपके साथ एक पिछले वीडियो के अंदर अपने व्यू जो है आपके साथ जो है शामिल किए हैं। आप उनको देखिएगा, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप पहले देखिएगा। अब बाज़ारों में उस न्यूज़ का इम्पैक्ट हम एक समय के लिए भूल जाएं, तो क्या अभी फ़िलहाल किस तरीके का लगता है। आज जी एंटरटेनमेंट के अंदर एक इन्वेस्को जो फंड्स हैं उन्होंने सेलिंग की है, तो ये जो ब्लॉक डील हुई उसकी वजह से आज कैश मार्केट के अंदर जो सेलिंग है वो शायद FIIs के डेटा के अंदर इंक्लूड है। तो FIIs के जो डेटा था वो आपको काफ़ी नकारात्मक इसलिए भी लगेंगे कि कुछ ब्लॉक डील्स की वजह से जो है वो सेलिंग्स ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर हम बाकी स्टॉक फ्यूचर्स की भी बात करें और उसकी सेलिंग को भी देखें तो डेटा जो है काफ़ी नेगेटिव जो है नज़र आ रहे हैं। लेकिन डेटा के साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइस $100 से नीचे वो एक काफ़ी पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ कल हम शुरुआत करेंगे। निफ्टी 17639 17800 की एक अहम स्पोर्ट को तोड़कर अगली स्पोर्ट 17600 को रिस्पेक्ट करता हुआ, सबसे खास बात है गैप फिल हो गया, ये एक संतुष्टि की बात है। और ये मैंने कहा भी था कि गैप को फिल करने के लिए बाजार आने की कोशिश करेगा, हो सकता है अभी आ जाए या कुछ समय के बाद आए। अब ऐसे लेवल पर बाजार आ गया, दोनों साइड के रास्ते पूरे खुले हुए, और अब बाजार भी कुछ इस तरीके का है। न्यूज़ भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यहाँ पर आपको क्लोजली देखना है, क्योंकि एक अच्छे राइज के बाद हमने 3 रेड कैंडल दिए, तो हो सकता है कि अभी आपको रेड कैंडल्स और भी देखने के लिए मिले। हो सकता है कल ना मिले, कल थोड़ा सा कंसोलिडेट करें या जो भी न्यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करें, और बाद में आपको एक बार नीचे के मौके फिर देखने के लिए मिल सकते हैं। आज ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HUL, डिवीज़ लेव और M&M ने बाजार को थाम के रखा, जबकि हैवी वेट्स वाले अब सेलिंग्स में थे। आज रिलायंस, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के साथ TCS का जो हैवी वेट इंडेक्स है वो भी जो है काफ़ी नकारात्मक जो है बाजार के लिए था। हैवी वेट्स में सेलिंग के बावजूद आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक ठाक रही, लेकिन आज नेगेटिव टेरिटरी में पहुँच गई। 4 से 5 दिनों के अंदर बहुत अच्छी तेजी आपने इस एडवांस डिक्लाइन रेशियो की पॉजिटिव होने की वजह से देखी थी, आज वो भी एक मिसिंग होती हुई नजर आई। एक्सिस बैंक, डिवीज, HUL, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, M&M, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी में थे, जबकि अदानी पोर्ट्स जो है पिछले दिनों में जो तेजी हुई वो आज उसमें से काफ़ी अच्छी तेजी गंवाता हुआ नजर आया। टाइटन के अंदर गिरावट थी। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों सोमवार के अंदर जो 10% की रैली की थी अब उसको बराबर करने की तरफ बढ़ते हुए, और लगभग देखिएगा HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ने जो तेजी की थी सोमवार को मर्जर की न्यूज़ के बाद, वो सब अब डिस्काउंट होती हुई अब सब वो जो है न्यूट्रलाइज हो गई है, जैसे वो कोई न्यूज़ का असर ही नहीं था। तो ये बात आज फिर साबित होती है कि सेल ऑन न्यूज़ एक बेटर स्ट्रेटेजी जो है होती है। तो सेल ऑन न्यूज़ अभी देखिएगा दोबारा से, जिन्होंने न्यूज़ को देख के बाय किया वो लगभग 10% नीचे हैं, और जिन्होंने सेल ऑन न्यूज़ किया वो 10% के प्रॉफिट में। विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी में भी जो है गिरावट थी, और TCS की जो गिरावट है ये थोड़ा सा कंफर्टेबली जब 3700 के नीचे आता है तो थोड़ा सा हमें शेयर्स के अंदर एक वैल्यूशंस काफ़ी वाजिब लगती है। तो हो सकता है कि जो TCS के अंदर आपको जो अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास 3600 की ले आसपास पहुंचता है, वहाँ से भी हालांकि 84 पॉइंट दूर है, तो आपको एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट शायद हमें लगता है TCS में देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी बैंक मामूली सी गिरावट के साथ है, और आज बाजार को रोका भी निफ्टी बैंक ने, तो बैंक निफ्टी की बदौलत आप जो है निफ्टी 17600 को होल्ड किए रहा, और गैप इसका पूरा फिल नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि 37100 37200 जो एक अहम स्पोर्ट है वो शायद बाजार कल आपको टेस्ट करता हुआ नजर आए, फिर उससे हो सकता है कि आपको एक बाउंस देखने के लिए मिले। मैं ज़्यादा जो है कमजोरी बैंक निफ्टी में तभी मानूंगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे, तो उसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। 36500 एक बहुत ही मेजर स्पोर्ट है 37100 के बाद, तो 36500 अगर आप देखेंगे भी
तो बहुत ही जबरदस्त, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये देखिएगा, और इसको जब ब्रेकआउट किया तो देखिएगा एक अच्छा राइज आपने देखा। तो ये 36,500 को इंट्राडे बेसिस पर भी, और अगर आप आवरली चार्ट्स में भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 36,500 एक काफ़ी अच्छी स्पोर्ट है, और 36,500 एक अच्छी स्पोर्ट होने की वजह से मुझे लगता है कि इसके नीचे शायद अगर कल क्रेडिट पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट भी अगर बढ़ता है और बाजार नेगेटिव रिएक्ट करता है तो 36,500 को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 बेसिस पॉइंट या 1 रुपये बढ़ जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन देखिएगा न्यूज़ है, अनिश्चितताएँ होती हैं बाजार में। अगर ऐसा होता है कि 0.5% बढ़ गया या 1% बढ़ गया, उस स्थिति में 36,500 भी टूट सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो कि एक अब नॉर्मल सी सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, 25 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ता है तो 36,500 को बाजार होल्ड करना चाहिए, ये मेरे व्यक्तिगत मत है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक आज तेजी में थे, लेकिन HDFC बैंक ने तो देखिएगा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, गिरने में जो है बिल्कुल जो है परहेज नहीं कर रहा है। कोटक महिंद्रा साथ दे रहा है 1766, और अब फिर दोबारा से देखिएगा 1710 के आसपास फिर पहुंचेगा कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे लगता है फिर वहां पे बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से क्रिएट होता हुआ नजर आना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और PNB में भी कमजोरी थी, और एक्सिस बैंक ने तो आज देखिएगा 2.38% की तेजी की, वॉल्यूम भी नॉर्मल थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अब नॉर्मल वॉल्यूम था, ICICI बैंक में भी नॉर्मल वॉल्यूम्स के साथ तेजी थी, लेकिन HDFC बैंक में जो गिरावट थी वो 3 times ऑफ द नॉर्मल वॉल्यूम था। तो इसका मतलब है जिन जिन लोगों ने सोमवार को माल खरीदा HDFC बैंक का, उनको बाजार ने परेशान कर दिया। FIIs की आज सेलिंग देखेंगे 5,000 करोड़ की, अब ये ब्लॉक डील से है या नॉर्मल है तो, बट ये डेटा बहुत खतरनाक है। लेकिन DIIs की 1774 करोड़ की बाइंग भी है, इसके अलावा FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग तकरीबन 2,000 करोड़ की, और 2,970 करोड़ की सेलिंग FIIs की स्टॉक फ्यूचर्स में, बहुत ही नेगेटिव डेटा है। इन डेटा को देख कर तो ऐसा लगता है कि शायद बाजार ऊपरी लेवल पर होल्ड ना करे और एक कमजोरी के साथ ही कल फिर दोबारा से क्लोज मिले, लेकिन अगर इनके डेटा बदल गए तो फिर ऊपर भी होता, तो इनके डेटा पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। पुट कॉल रेशो 0.71 और 0.8, इसका मतलब दोबारा से वो डर आ गया है कि पुट लिखने वाले अब डरने लगे हैं दोबारा से, बाजार गिर गया तो पुट की वैल्यूज एकदम तेजी से बढ़ जाएगी। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 0.5% की कमजोरी के साथ, ब्रेंट क्रूड देखिएगा $99 के भी नीचे चला गया, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा ऑप्शन चेन की डेटा देखिए तो 17,700 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई 39,602, लेकिन अगर 17,600 पे पुट राइटिंग देखेंगे तो वो नहीं थी, लेकिन टेक्निकली ये एक अच्छी स्पोर्ट है, और पुट राइटिंग अगर कहीं पर आपको नजर आएगी जो कि मामूली ही है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, वो 17,700 पे 24998 यानी कि जहाँ पे बाजार लड़ने की तैयारी करेगा। इसके अलावा दूसरी स्पोर्ट आपको ऑप्शन चेन में 17,500 पे, जहाँ 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए और 31,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। बैंक निफ्टी के अंदर सारी लड़ाई 37,500 पे है, यहीं पे पुट और कॉल दोनों लिखी गई हैं, इसके नीचे मंदी इसके ऊपर तेजी, तो 36,500 काफ़ी अच्छे से होल्ड किया बाजार ने आज भी, कल भी होल्ड किया, तो ये लग रहा है कि यहाँ पर बाजार एक अच्छी स्पोर्ट ले रहा है। 36,500 ब्रेक होता है तो फिर 37,100 एक अच्छी स्पोर्ट बनती है, उसके बाद मुझे लगता है बहुत मजबूत मजबूत स्पोर्ट जो है वो 36,500 है। तो ये थे मेरे आज के व्यू बाजार के बारे में, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि देखिएगा जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है रिजल्ट में आपको पड़ता हुआ नज़र आना चाहिए, लेकिन अब क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ गए हैं तो एक पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब रिजल्ट आए और तब शेयर प्राइस नेगेटिवली रिएक्ट करें, जो कि क्रूड ऑयल से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, चाहे उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या जो कंजम्पशन के अंदर हैवीली फ्यूल्स को यूज़ करती हैं, यानी कि जिनके एनर्जी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है उनकी प्रोडक्शन में, उन कंपनी यानी कि सीमेंट जैसी कंपनीज के लिए हो सकता है कि रिजल्ट आपको नेगेटिव मिले, तो उस समय बाइंग के मौके हो सकते हैं। लेकिन अभी केमिकल कंपनीज के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि उनका बेसिक रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव साथ है, तो शायद कल केमिकल स्टॉक्स या जो केमिकल यूज़ करने वाली कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि $100 से नीचे आना काफ़ी पॉजिटिव है इस तरीके की कंपनीज़ के लिए भी, और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ आते हैं, हमारे फंडामेंटल्स जो है काफ़ी बिगड़ जाते हैं जब क्रूड ऑयल के प्राइस तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अभी भी हम ग्रीन फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं या
अल्टरनेटिव है, जो एनर्जीज है उनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि शायद हम ट्रेडिशनल फ्यूल्स को छोड़ दें भी। तो क्रूड ऑयल अभी भी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी या कोल की जो कंजम्पशन है हमारी पावर जनरेशन में, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब के वजह से हमें लगता है कि इन चीज़ों के अगर प्राइस सॉफ्ट होते हैं, यानी कि एनर्जी की कॉस्ट किसी भी तरीके से घटती है, तो हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। तो ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, मुझे लगता है काफ़ी फेवरेबल है। लेकिन कल क्रेडिट पॉलिसी पर आप नज़र रखिएगा, वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है डालेगी आगे की फ्यूचर ग्रोथ और जो इन्फ्लेशन हैं उनके लिए। तो कल विशेष ध्यान जो है आपको क्रेडिट पॉलिसी में रखनी पड़ेगी, और अगर ऐसा चेंज होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर शायद हम एक बढ़ते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अभी भी मैं आपको बोलूँगा 51% मैंने बोला है, हालांकि मैं अगर आपको बोलूँ तो मुझे शायद इससे भी कहीं ज़्यादा लगता है, लेकिन मैथमेटिकली 51% बोल रहा हूँ, जिससे कि आप समझे कि मेरा पलड़ा किस साइड भारी है। मुझे लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत सरकार का भी दबाव है, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा उधार लेना है, इकोनॉमी के लिए काफ़ी एडवर्स हो सकता है। तो कोशिश ये होगी कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत हो रही है, उन पर अगर सरकार ने देखा तो भैया वो कहेगी भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लो, ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। लेकिन अगर सरकार को पता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा हमसे अच्छे डेटाज होते हैं, अगर सरकार कॉन्फिडेंस है, सरकार पास कॉन्फिडेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, और हमने भी देखिएगा तकरीबन 6 महीने में 8 लाख करोड़ पैसा उधार लेना है, यानी कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट चाहेगी सस्ते रेट में पैसा मिले, तो शायद कोशिश होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ाई है। लेकिन अगर हम पूरे इकोनॉमी को देखें, जिस तरीके से बाकी कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं, और US के अंदर दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की तैयारी हो रही है, और जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की वो 2.6% पे चली गई है, उन सबको अगर हम देखें तो हम ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स रीजंस हैं जो हमारे को आसपास दिख रहे हैं, तो इकोनॉमी को बचाने के लिए शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने चाहिए। बट मुझे लगता है सरकार अभी प्रियोरिटी लेगी, क्योंकि उसको जो अपनी खुद की बोरिंग्स करनी है और जो ग्रोथ है उसको शायद RBI तरजीह देता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद ना बढ़े। तो ये मेरी एक चर्चा, जो विशेष चर्चा मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किया, उसके लिए आप पिछली वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो कि भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे क्या लगता है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी जो से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।